हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री श्रद्धा इंग्लिश मीडियम स्कूल, सब्जेक्ट साइंस एंड स्टैंडर्ड फिफ्थ। इस साल हमारी जो साइंस में हमारी जो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी वो होगी टुलिप्स की बुक है। हमारे पास जो यहाँ ऐसी टेक्स्ट बुक है, सो आज से हम हमारा जो मेन सिलेबस है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है एडेप्टेशन इन प्लांट्स, उसके बारे में आज हम लर्न करने वाले हैं। सो सबसे पहले एडेप्टेशन क्या होता है, तो एडेप्टेशन मतलब क्या कि आप जो जगह पर कंफर्टेबल हो, मीन्स वो जगह आप जो प्लेस में आप रहते हो उसके हिसाब से आपके अंदर जो चेंजेस है उसको आप एक्योर करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन। मीन्स चलो कोई भी एक आपको मैं बोलूँ कि कोई चलो शिमला में कोई भी पर्सन रहता है, तो वो जो इंसान है वो क्या होगा कि वो ठंडी से एकदम उसको जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर डाउन टेम्परेचर होगा, तो उसको इतना इफेक्ट होगा नहीं क्योंकि वो डेली वहाँ रहता है। लेकिन हम कुछ दिन वहाँ घूमने जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें बहुत ठंड लगेगी। सो जो हैबिटेट में हम रहते हैं तो उसके हिसाब से हमें हमारा जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट होना होता है। तो सबसे पहले देखो एडेप्टेशन, एडेप्टेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं। एडेप्टेशन आर स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड बाय अ प्लांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस से वहाँ उसको लिव करने के, उसको रहने के लिए जो एक स्पेशल फीचर्स डेवलप किया जाता है, कि कोई प्लांट है कि एनिमल है कि कोई भी पर्सन है, उसके अंदर ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स है वो डेवलप होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। कि हमारी जो हैबिटेट है जो हमें लिव करना है वहाँ उसके हिसाब से हमें जो फीचर्स है, जो स्पेशल फीचर्स है वो डेवलप होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब क्या होगा, द प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स, जो प्लांट है जहाँ रहते हैं, कोई भी डेजर्ट वाले प्लांट है तो वो क्या हो गए, वहाँ हो गए, मीन्स कोई भी वाटर में होते हैं तो वो सभी क्या होते हैं, वो उसकी हैबिटेट हो गई। सो सबसे पहले एडेप्टेशन और हैबिटेट के बारे में हमने लर्न किया। कि एडेप्टेशन की फिर से डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एडेप्टेशन मतलब क्या होगा, एडेप्टेशन आर अ स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड बाय अ प्लांट टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है उसमें रहने के लिए कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट के द्वारा जो भी उसको स्पेशल फीचर्स है वो डेवलप किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। हैबिटेट मतलब कि द प्लेस वेयर अ प्लांट लिव्स, कि ऐसा प्लेस ऐसी जगह के जहाँ प्लांट है वो लिव्स करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटेट। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि चलो माउंटेन है, माउंटेन में जो पाइन है फिर है, तो वो ऐसे माउंटेन में जो ये प्लांट है, फिर है डेजर्ट, डेजर्ट में है कैक्टस और ड्राई रॉक्स में लिचेंस, तो ये क्या है, डिफरेंट जो हैबिटेट है उसमें जो डिफरेंट प्लांट है उसके बारे में, कि भाई डेजर्ट में है तो वहाँ कैक्टस है, ड्राई रॉक्स में है तो वो लिचेंस है, माउंटेन में पाइन एंड फिर है, तो उसकी क्या हो गई, हैबिटेट हुई, कि वहाँ वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ डेवलप होते हैं वो अच्छी तरह से। अब देखो आप एप्पल है वो हमें यहाँ गुजरात है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें हमें उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो जो शिमला है कि जो माउंटेन रीजन है तो वहाँ उसको नेचुरल हैबिटेट मिल गई, तो उससे वो अच्छी तरह से वो लिव कर पाएगा, वहाँ वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा क्योंकि उसके अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स ही होते हैं उससे वो डेवलप हो सकता है। फिर हमारी एडेप्टेशन इन के हिसाब से टोटल 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स मतलब क्या कि जो प्लांट वाटर में रहते हैं, लिविंग इन वाटर, उसको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्वाटिक प्लांट्स। और दूसरा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कि जो प्लांट्स है वो लैंड पर जो होते हैं उसका जो ठिकाना है तो उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। तो आपको समझ में आ गए, एडेप्टेशन के बारे में पहले देखा, फिर हैबिटेट के बारे में, फिर टाइप ऑफ एडेप्टेशन में एक एक्वाटिक प्लांट्स और दूसरा है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में क्या रखना है, लिविंग इन वाटर, और टेरेस्ट्रियल प्लांट में क्या याद रखना है, लिविंग इन लैंड। नाउ अब एक्वाटिक प्लांट के बारे में देखते हैं। तो एक्वाटिक प्लांट में देखो, एक्वाटिक प्लांट को दूसरा बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। एक्वाटिक प्लांट को दूसरा क्या नाम बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स।
सो आपको याद रखना है, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्वाटिक प्लांट्स के बजाय आपको हाइड्रोफाइट्स ऑप्शन दिया होगा, तो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले एक्वाटिक प्लांट्स है, उसमें फर्स्ट हमारा उसका जो है फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बारे में देखेंगे। फ्लोट, देखो फ्लोटिंग मतलब हमें, चलो कोई भी है पानी में, हम बोट को क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स। तो समझ में आ गए हमें किसके बारे में लर्न करना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा फ्लोटिंग प्लांट्स। तो चलो कि ऐसे प्लांट जो पानी के जो सरफेस है, वाटर की जो सरफेस है वहाँ फ्लोट करते होंगे, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में हमें बात करनी है, फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि ऐसे प्लांट क्या होते हैं कि जो वाटर की जो सरफेस होते हैं उस पर वो फ्लोट करते हैं। सेकेंड, मूव अलोंग विद द वाटर करंट, के वाटर की जो वेव्स आएगी, वाटर की करंट आएगी उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ऐसे मूव करेंगे। फिर उसके एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड, वो उसके क्या है, फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल है। तो फ्लोटिंग प्लांट्स में उसकी दो कैरेक्टराइजेस क्या, कि फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि क्या होगा कि जो वाटर सरफेस है उसमें वो फ्लोट करेंगे। सेकंड, कि जो वाटर करंट के साथ भी वो भी क्या करते हैं, मूव करते हैं। वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड वो क्या होगा, उसके एग्जाम्पल्स होंगे। नाउ एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं, उसकी जो स्पेशल एडेप्टेशन है, जो उसकी कैरेक्टराइजेस है उसके बारे में बात करते हैं, कि कोई भी जो फ्लोटिंग प्लांट्स वाले हैं उसके अंदर कैसे ऐसा स्पेशल फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्जी बॉडी विद द होलो स्पेस फिल्ड विद द एयर, कि उसके अंदर जो उसकी बॉडी होती है एकदम स्पॉन्जी बॉडी होती है, उसमें एक छोटे छोटे ऐसे होल स्पेस होते हैं, और वो स्पेस क्या होता है, उसमें से एयर फिल्ड होती है, एयर से भरा हुआ होता है। रूट सिस्टम इज नॉट फिक्स टू द बॉटम, कि जो ऐसे प्लांट्स है, जो फ्लोटिंग प्लांट्स है, उसमें जो रूट सिस्टम है वो एकदम वाटर के जो बॉटम होता है वहाँ तक वो फिक्स होता नहीं होता है। फिर स्टोमाटा ऑन द अपर सरफेस, अब देखो जो उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरफेस पर ही होते हैं, और उसमें वो स्टोमाटा होता है, तो उससे क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आप कर सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में, तो उसकी कैरेक्टराइजेस याद रखना है कि फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मूव अलोंग विद द वाटर करंट, और एडेप्टेशन में क्या याद रखना है, स्पॉन्जी बॉडी विद द होलो स्पेस फिल विद द एयर, सेकेंड रूट सिस्टम इज नॉट फिक्स्ड टू द बॉटम, एंड थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है कि स्टोमाटा होता है वो क्या होता है, अपर सरफेस में होता है। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह से ये देख लो फ्लोटिंग प्लांट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। नाउ नेक्स्ट हमारा जो सेकेंड है फिक्स्ड प्लांट्स, और जो एक्वाटिक प्लांट्स में सेकेंड टाइप है वो होगा फिक्स्ड प्लांट। सबसे पहले हमने फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में देख लिया, अब ना होगा फिक्स्ड प्लांट्स। अब देखो उसमें आपको नेम से ही आपको पता चलेगा, फिक्स मीन्स एक जगह वो फिक्स हो जाएगा। तो फिक्स प्लांट्स के बारे में हम देखते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो भी क्या करता है कि जो वाटर की जो सरफेस होते हैं वहाँ फ्लोट करता है। डू नॉट मूव अलोंग विद द फ्लो ऑफ वाटर, लेकिन वो जो वाटर की जो करंट हो गए, वाटर के जो वेव्स हो गए उसके साथ वो मूव करता नहीं, मूविंग नहीं करेगा, एक ही जगह पर स्ट्रेट रह जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड प्लांट्स। तो सबसे पहले देख लिया हमने उसकी फर्स्ट कैरेक्टराइज कि फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि वो पानी की जो सरफेस है उसमें फ्लोट करेगा लेकिन वो वाटर करंट के साथ मूव करेगा नहीं। उसके एग्जांपल है वाटर लिली एंड लोटस, कि वाटर लिली प्लांट है, लोटस है, तो वो कौन से प्लांट है, फिक्स्ड प्लांट्स। उसके एडेप्टेशन के बारे में देखते हैं कि उसके अंदर क्या कौन सा ऐसा फीचर स्पेशल फीचर्स है, फिक्स टू द सॉइल एट द बॉटम, कि वो क्या होता है कि वो सॉइल के साथ फिक्स होते हैं एकदम बॉटम में, लाइट एकदम लाइट वेटेड होते हैं ना, होलो स्टीम्स होते हैं, तो एकदम लाइट वेटेड हो गए तो वो क्या होगा कि वो जो पानी की जो सरफेस है, वाटर की जो सरफेस है वो उस पर वो इजीली फ्लोट कर सकेंगे। लाइट वेटेड होगा, कोई भी चीज़ लाइट वेटेड होगी तभी वो फ्लोट कर पाएगी, लेकिन हैवी चीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो पानी के अंदर ही रहेगी, लेकिन हमें फ्लोट करना है, ये जो प्लांट होगा वो फ्लोट करना है उसका, तो क्या होगा एकदम लाइट वेटेड है, और उसके जो स्टीम्स हो गए वो एकदम होलो स्टीम्स होते हैं। स्टोमाटा ऑन द अपर सरफेस, उसकी जो स्टोमाटा होती है वो कहाँ होती है, ऊपर सरफेस में, जो उसका बाहरी भाग है उसमें अपर सरफेस में होता है। लीव्स हैव अ लॉन्ग्स एंड सिलेंडर स्टॉक, जो उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम लॉन्ग होती है,
और वैक्सी सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है वो याद रखना सबसे अच्छी बात कि वैक्सी सरफेस होती है, उससे क्या होगा कि वो मिस पानी के जो उसके कोई भी डीके से वो बच सकती है, उसके लिए उसको वैक्सी सरफेस होती है। तो उसके एडेप्टेशन में फिर से एक बार हम देख लेते हैं कौन से पॉइंट हमें याद रखना है कि फिक्स टू द सॉइल एट द बॉटम, वो क्या होती है कि बॉटम के साथ पहले फिक्स होती है। सेकेंड, लाइट वेटेड होती है एंड होलो उसके स्ट्रीम्स होते हैं। थर्ड, स्टोमाटा ऑन द अपर सरफेस, उसके जो स्टोमाटा होते हैं वो अपर सरफेस पर होते हैं। फोर्थ, लीव्स एवर लॉन्ग, उसकी जो लीव्स होती है वो लॉन्ग होती है एंड सिलेंडर स्टॉक्स, और वो उसकी सरफेस कैसी होती है, वैक्सी सरफेस होती है ना। उसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है, अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर मतलब एकदम जो वाटर के अंदर ही रहेगा, ऐसे नहीं कि जो फ्लोटिंग प्लांट है, फिक्स प्लांट है, उसकी जैसे नहीं होगा कि वो सरफेस पर फ्लोट नहीं करेगा, वो एकदम पानी में होगा, वो अंडर वाटर प्लांट। ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर, वो ग्रो अप होते हैं लेकिन कम्प्लीटली किस में, जो अंडर वाटर जो पानी है उसमें ही होते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रिला, उसका एग्जाम्पल कौन सा है, हाइड्रिला। हाइड्रिला आपने देखा होगा वो कम्प्लीटली क्या करता है कि वो पानी में ग्रो अप होता है। जो आपको यहाँ जो आपकी बुक्स है उसमें उसका फोटोस भी आपको यहाँ दिया गया है, हाइड्रिले का फोटोस आपको दिया गया है, तो आपको वो भी अच्छी तरह से देख लेना है तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ उसके एडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं, तो फिक्स देम टू द मूडी सॉइल, वो क्या होते हैं एकदम फिक्स होते हैं एकदम। फिर थिन एंड नेरो, उसके जो वो कैसे होते हैं, उसके जो प्लांट होते हैं वो एकदम थिन होते हैं उसके जो एंड एकदम नेरो होते हैं उसके स्टेम्स। डू नॉट हैव स्टोमाटा, उसको स्टोमाटा उसके जो लीव्स पर है उसको स्टोमाटा नहीं होता, तो वो ब्रीदिंग किसके थ्रू करेंगे, उसकी बॉडी सरफेस। याद रखना है कि जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से वो क्या करता है, वो गैसेस के एक्सचेंज करता है, और वो क्या करता है, कौन सा गैस लेता है कि पानी के अंदर जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व गैस है वो ब्रीथिंग में वो लेते हैं। याद रखना है उसको स्टोमाटा नहीं होता है, वो किसके थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथिंग लेते हैं, और कौन सा वो पानी के अंदर जो डिजोल्व गैस होता है उसमें से वो ब्रीथिंग करते हैं। सो ये अंडर वाटर प्लांट के बारे में था। अभी मैं आपको सभी प्लांट्स के बारे में जो उसके फोटो से वो आपको बुक में से दिखाई दे रहा हूँ आपको भी देख लेना है। जो एक्वाटिक प्लांट्स है तो उसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल था वाटर हाइसिंथ और फ्लोटिंग प्लांट जो उसका ये एग्जाम्पल है। सेकेंड, हमारा जो लोटस जो हमारा फिक्स प्लांट्स में था तो उसका एक यहाँ आपको फोटोस दिया गया है। और थर्ड है हमारा हाइड्रिला और अंडर वाटर प्लांट्स। तो आई होप कि आपको जो एक्वाटिक प्लांट्स थे उसके जो थ्री टाइप्स थे, फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकेंड था फिक्स प्लांट्स और थर्ड था अंडर वाटर प्लांट्स, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।